हाय, अब ये हम टाइमलाइन वर्क में टाइप बी देख रहे हैं। टाइप ए में क्या था, मेन डेज आवर्स एंड वर्क की वैल्यू अगर चेंज हो जाती है उससे ये थोड़ा सा इसमें एडिशनल पार्ट आ जाता है, बाकी जो उसमें जो कंसेप्ट था वही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अब देखो सवाल क्या है, इफ 12 मेन और 24 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज देन इन हाउ मेनी डेज 15 men and 6 women can do the same work। इसके पहले वाले सवाल में अगर आप देखोगे तो वहां पे सारे केस में मेन ही थे, तो हमने क्या अज्यूम किया था कि सारे मेन इक्वल इफिशियंसी के साथ है, पर अब यहां पे क्या दिया है मुझे, मेन एज वेल एज विमेन। तो अब मैं ये तो अज्यूम नहीं कर सकता कि हर एक मेन एंड विमेन इक्वल है, सारे मेन इक्वल है, सारे विमेन इक्वल है, पर मेन और विमेन इक्वल अज्यूम करना गलत हो जाएगा। क्यों? अब आप सोचो, 12 मेन और 24 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, तो मुझे देखो 18 डेज दिया है, अगर सेम लोग होते थे तो मैं इफिशियंसी सेम बोल सकता था, तो यहां पे क्या होगी, इफिशियंसी में चेंज आ रहा है। तो अब थोड़ा सा अजम्पशन में यहां पे रिलैक्सेशन देखो, मेंस और वुमेन्स अलग है, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, मेंस और वुमेन्स की इफिशियंसी अलग है ये अज्यूम करके चल रहे हैं। अप्रोच एकदम सिंपल है, इसके पहले वाले सवाल का ही कंसेप्ट यूज करेंगे हम, बस इसमें एडिशनल क्या रहेगा, इनका इक्विवेलेंट आपको निकालना है। अब इक्विवेलेंट क्या है वो हम देखते हैं। आप मुझे बताइए यहां पे क्या बोला है, 12 मेन और 24 वुमेन, तो 12 मेन या तो 24 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, तो मुझे बता दोनों 18 डेज में ही खत्म कर रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगा कि 12 मेन्स जो है वो इक्वल है 24 वीमेन के। देखो इस तरीके के सवाल में जब मेन वीमेन चिल्ड्रन जो भी आए इसमें आपका काम क्या है, आपका एम रहेगा इक्विवेलेंट निकालना। देखो ये आप अपना एम समझो, अगर आपको ये मिल गया देन बाकी सवाल तो सिंपली पहले वाले सवाल जैसा ही करना है, आपको इक्विवेलेंट निकालना है कि कितने मेन कितने वीमेन के बराबर है। ये जो टाइप बी में है उसमें हमें क्या करना है, कितने मेन कितने वीमेन के बराबर है ये आपको निकालना है। सोचो आपको बताया इन्होंने कोई काम है जो 12 मेन 18 डेज में करते हैं, वही काम 24 वीमेन भी 18 डेज में करते हैं, तो दोनों काम तो 18 डेज में ही कर रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगा 12 मेन इज इक्वल टू द 24 वीमेन, तो मैं क्या सोच सकता हूं कि एक मेन दो वीमेन के बराबर है। मतलब क्या होगा कि एक आदमी जितना काम कर सकता है उतना ही काम करने के लिए एक दिन में दो विमेन को लगेगा, तो ये एक बार निकला। अब मुझे बताया उन्होंने क्या पूछा है, देन इन हाउ मेनी डेज 15 मेन एंड, अब देखो यहां पे और था दीस और दीस, या तो ये लोग 18 दिन में करेंगे या तो ये लोग करेंगे, अब इन्होंने पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज 15 मेन एंड 6 विमेन कैन डू द सेम वर्क। So, मेरे पास अब 15 मेन है एंड 6 वीमेन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखो मेरे पास मेन है एज वेल एज वीमेन है, बट मुझे सिंगल इसमें इक्विवेलेंट मिल चुका है, तो मैं क्या करूंगा, या तो मेन को वीमेन में कन्वर्ट करूंगा या वीमेन को मेन में कन्वर्ट करूंगा। इससे होगा क्या ये भी बताता हूं। अब मुझे बताइए मेरे पास क्या है, एक मेन दो वीमेन के बराबर है, और एल्स मैं ये सोच सकता हूं कि दो वीमेन एक मेन के बराबर है, तो आप इसमें से किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो मैं क्या करता हूं मुझे बताओ, दो विमेन अगर एक मेन के बराबर है तो 6 विमेन कितने के बराबर होगा, देखो मेरे पास 6 विमेन है 3 टाइम, तो मेन भी क्या करना पड़ेगा 3 टाइम, तो मैं बोलूंगा 6 विमेन आर इक्वल्स टू द 3 मेन, सो मेरे पास 15 मेन है और जो 6 विमेन है वो 3 मेन के बराबर है, सो इन टोटल मेरे पास जो मैन है वो देखा जाए तो 18 मेन के बराबर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं 18 मेन है, पर मुझे एक बात बताओ अगर दो अलग अलग इसमें होगा तो मैं कैसे अप्रोच करूंगा, तो उससे अच्छा मैं दोनों को एक ही इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास 18 मेन है, तो अब मुझे कितना टाइम लगेगा। अब आप मुझे बताइए 12 मेन को 18 दिन लगते हैं तो 18 मेन को कितना लगेगा, तो अगेन हम आ चुके हैं m1 d1 इज इक्वल्स टू m2 d2, क्योंकि इसमें क्या था, मैन हो या वीमेन हो कुछ भी चलेगा, मैन डेज ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहता है, तो वो मुझे एक ही इसमें लाना है, तो ये मेरा एम रहेगा। मैंने पहले बोला एम क्या है आपका, इसमें
ये इक्विवेलेंट आपको निकालना है कितने मेन कितने वीमेन के बराबर है। वो एक बार निकल गया, इनको आप किसी एक इसमें कन्वर्ट कर लो मेन या वीमेन में, एंड देन हमारा M1D2 तो है ही है। अब आप मुझे बताइए पहले आपके पास कितने मेन थे, जब 12 मेन थे तब 18 डेज लग रहे थे, तो आप अगर 18 मेन है तो कितने डेज लगेंगे, सिंपली 18 कैंसिल होगा, डेज आपका आ जाएगा 12। अब कोई पूछ सकता है अगर मैंने वीमेन में कन्वर्ट किया होता सबको तो क्या होता था। अब आप सोचो, मुझे बताए एक मेन दो वीमेन के बराबर है, तो मेरे पास कितने मेन है अभी, 15 मेन है, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर एक मेन दो वीमेन के बराबर तो 15 मेन कितना होगा, 30 वीमेन के बराबर, तो मेरे पास 30 वीमेन है और ये 6 वीमेन भी है, तो देखा जाए तो इक्विवेलेंट मेरे पास 36 वीमेन है। अब आप मुझे बताइए अगर 24 वीमेन 18 दिन में काम खत्म करती है तो 36 वीमेन कितने में करेगा। अगेन मेन डेज का ही कंसेप्ट है, M1D1 इज इक्वल्स टू M2D2। कुछ लोग अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ ये मेन के लिए अप्लीकेबल है, आप सोचिए मेन मतलब मैं इंसान ही है, जैसे इंसान वाला बात कर रहा हूं करके, वो वीमेन मेन चिल्ड्रन कुछ भी हो सकता है, मैन डेज ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहेगा, तो मैन रहा या वीमेन रहे या चिल्ड्रन रहे, उस टाइप का मैन का कंसिडर कर रहा हूं वैल्यू में। सो मुझे पता है कि 24 वीमेन 18 दिन में खत्म करती है, तो 36 वीमेन कितने दिन में खत्म करेंगे, सो यहां पे आएगा 6 × 6, 6 × 3, 6 × 4, यहां पे क्या आएगा D2 की वैल्यू अगेन 12 ही आएगी, देखो सेम ही आ रहा है, समझ रहे हो। तो यहां पे मेरा एम क्या रहेगा कि मेन और वीमेन का इक्विवेलेंट रहेगा, बस ये आपको निकाल लेना आप, तो उसके बाद अगेन M1D1 इज इक्वल टू M2D2 आप इसके पहले वाले सवाल में आप देख चुके हो। अब यहां पे ये सवाल इजी क्यों था, क्योंकि आपको यहां पे और से कनेक्टेड था। अब देखो अगर मैं इसी सवाल में और थोड़ा एक सवाल लेना चाहूं, ओके अगर इसी सवाल में और एक लेना चाहूं, आई होप आप लोग ने इसको नोट किया होगा, अगर इसी सवाल में अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं, लेट से इफ 3 मेन, ठीक है 3 men can do a piece of work in let's say 18 days, okay 18 days, and let's say 6 women, ठीक है यहां पे मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, आप देख लीजिए 6 women can do a piece of work in let's say 24 days, then in how many days 15 men and 6 women can do the same work। अब लोग इसमें सोचेंगे अब तो यहां पे और से कनेक्टेड नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, अगेन आपको पता है जो वीमेन और मेन सेम ही वर्क कर रहे हैं, तो मुझे बताइए अगर 3 मेन 18 डेज काम करेंगे तो वो कितना काम करेंगे, मैन डेज, 3 × 18 मैन डेज, सो 54 मैन डेज इज इक्वल्स टू, अब आपको समझना है यहां पे मल्टीप्लाई, इसके पहले में क्या हो रहा था दोनों में नंबर ऑफ डेज सेम थे तो वो वैसे भी कैंसल आउट हो जाते थे, तो इसलिए हमने उसमें कंसिडर नहीं किया था। पर अगर मुझे होता है 3 मेन अगर 18 दिन में काम करते तो वर्क की वैल्यू क्या डिफाइन कर रहे हम, 54 मेंस डे, और वही काम अगर मैं सोचूं 6 वीमेन 24 डेज में काम कर रहे हैं तो 6 वीमेन इंटू 24 डेज दैट इज अ वीमेन्स डे, ये देखो यहां पे वीमेन्स डे ये मेन्स डे है, तो मैं क्या सोचूंगा 6 × 24 कितना आएगा, 24 × 3 = 72, 72 × 2 = 144 वीमेन्स डे। आई होप कैलकुलेशन बराबर है, यस। सो ये डेज कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं यहां पे डिवाइड करूं, आप सोचिए अगर मैं यहां पे डिवाइड करूं, सो यहां पे 6 का डिविडेशन दे दूं, 9 × 6, 9 से अगर मैं 6 से यहां पे डिवाइड करूं तो यहां पे 24 ये आ जाएगा, तो ये क्या बता रहे हैं 9 मेन इज इक्वल टू 24 वीमेन, और सिंप्लीफाई होता है कीजिए 3 से डिवाइड कीजिए, 3 मेन इज इक्वल्स टू 8 वीमेन। अब आपको समझा, मे बी यहां पे ये वैल्यू अच्छी नहीं है, बट आपको ये समझना है कि मैन डेज इज इक्वल टू वीमेन डेज, क्योंकि दोनों भी तो वर्क ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, सेम वर्क, आप इक्विवेलेंट पुट कर दीजिए,
डेज डेज विल गेट कैंसल, तो आपको मेंस इज इक्वल टू वीमेन का रिलेशन मिलेगा कि 3 मेन इज इक्वल टू 8 वीमेन. अब आपको क्या दिया है, 15 मेन एंड 6 वीमेन को कितना लगेगा, आप मुझे बताइए. 15 मेन एंड 6 वीमेन. मेरा काम क्या था, मेरा काम यह था इक्विवेलेंट ढूंढना. पहला ए में इक्विवेलेंट ढूंढना, वो निकाल लिया. अब मेरा काम क्या है, अब इनमें से किसी को भी एक इसमें कन्वर्ट करो, या तो सभी को मेन बना दो या सभी को वीमेन में करो, तो इक्विवेलेंट वैल्यू रखो. तो मैं बोलूंगा देखो 3 मेन इज इक्वल टू 8 वीमेन है, तो 15 मेन मतलब कितना होगा, ये 5 टाइम मेन है तो इसका भी 5 टाइम कीजिए. सो देखा जाए तो वो 40 वीमेन, 40 40 वीमेन के बराबर है. तो मेरे पास ये 15 मेन है, उनकी पावर अगर देखा जाए तो 40 वीमेन इतनी है, और ये 6 वीमेन तो हमारे पास है ही है. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 46 वीमेन है. अब आप मुझे बताइए, मुझे पता है 6 वीमेन 24 डेज में काम करते हैं, तो 46 वीमेन कितने दिन में खत्म करेंगे. अगेन M1D1 इज इक्वल्स टू M2D2. तो अब मुझे बताइए यहां पे पहले क्या गिवन था, 6 में देखो मेन है वीमेन है, आप W1D1 भी लिख सकते हो, ठीक है. जस्ट फॉर्मुलेशन में वैल्यू लिखने के लिए इसने इसको हमने मेंस लिखा है, आप वीमेन लिखना है तो वीमेन लिख सकते हो. 6 × 24 इज इक्वल्स टू 46 इंटू कितना, क्योंकि देखो दोनों साइड में ये वीमेन इक्विवेलेंट है, तो WW वैसे भी कैंसिल आउट होगा करके. सो अब इसको बस आप डिवाइड करके निकाल लीजिएगा. दो मैंने वैल्यू अच्छी नहीं ली है, बट अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको अच्छा वैल्यू मिल जाएगा. इसको जो भी सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा उतने डेज आएंगे, वैल्यूज अच्छी आती है, बट यहां पे मैंने थोड़ी सी खराब ले ली, इसलिए पॉइंट में जाएगा थोड़ा सा. बट आई होप आइडिया क्लियर है. इस टाइप बी में आपका एम क्या रहेगा, पहले इक्विवेलेंट निकालो, कितने मेन कितने वीमेन के बराबर है. अब यहां पे ये सवाल थोड़ा आसान था, इंडिविजुअली गिवन था, 3 मेन 18 दिन में काम करते हैं, 6 वीमेन वही काम 24 डेज में करते हैं, तो आप डायरेक्टली इक्विवेलेंट कर रहे थे. अब अगले सवाल में हम देखते हैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टफर पार्ट, थोड़ा सा हायर पार्ट, ज्यादा टफ नहीं है, इक्वेशंस बनेंगे थोड़े से, बट सॉल्व हो जाता है. ओके, थैंक यू.